اے خداوند آپ کی پتلی کی مالک مجھے محفوظ رکھ اپنے پروں کے سائے میں مجھے چھپا لے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی ہو مسیح خداوند میرے عزیز ہو آج ہم سب روحانی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ہیں ہم خداوند کی اس بار قربانی میں شرکت کرتے ہیں پورے ایمان اور بھروسے کے ساتھ میں جانتا ہوں کہ ہم سب خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہیں اس کے دکھوں کے ایام میں اس کے ساتھ ہیں ان روزوں کے ایام میں روزہ ریاضت کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہیں اور آج جبکہ ہم ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے تو بھی روحانی طور پر ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہیں آج میں آپ سب کے لیے دعا کرنا چاہوں گا جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ پیارا خداوند آپ سبوں کو آپ کے گھروں میں برکت عطا فرمائے خوشحالی عطا فرمائے اور اس موذی وبا سے بچا کے محفوظ رکھے آج کے دن ہم مقدس پیٹرک کو یاد کرتے ہیں ان کا یوم یادگار مناتے ہیں آج ہم ان کی سفارش طلب کریں گے نیز ہم تمام آئرش سسٹرز اور فادرز کے لیے بھی دعا کریں گے کہ پیارا خداوند ان کی خدمات کو قبول کرے جو خدمات انہوں نے مشنری ہوتے ہوئے پوری دنیا میں پھیلائی ہیں خداوند ان کی ساری خدمات کو قبول کرے آج کے دن ہم دعا کریں گے مقدس سینتنی سے بھی کہ وہ بھی ہماری سفارش کرے ہم اپنے تمام تر سفارشات ان کے وسیلہ سے خداوند کے حضور پیش کریں گے نیز ہم مقدس یوسف کا کمینہ بھی پڑھیں گے تاکہ ہم ان کے شفاعت حاصل کرتے ہوئے اس مصیبت سے بچ سکیں اور آنے والے ایام میں اچھے طریقے سے ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر اپنے خداوند یسوع مسیح کو یاد کریں اس کی قربانی میں شرکت کر سکیں آئے سب اس عبادت کے آغاز میں اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کریں تاکہ واجب طور پر ان پاک رسومات میں شریک ہو سکیں سب مل کر کہیں میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں باتوں اور کاموں نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے اس لیے میں مقدس مریم ہمیشہ تمہاری سب فرشتوں اور مقدسوں اور افسوس سے بھی التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے آمین خدا ہم پر رحم فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی عطا دے Oh,
तेरा फजल हमें पाक खिदमत करने पर आमादा करता है और हमें हर वक्त तेरी मदद की तौफीक दिलाता है। बख्श दे कि हम इससे कभी महरूम ना हो मसीह हमारे खुदावन के वसीले से, जो तेरे साथ रूहुल कुद्स की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। के पाक कलाम में से हमारे लिए आज की तलावत कामयाब नबी की किताब उसका तीसरा भाग उसकी 25वीं आयत और 34वीं आयत से 43वीं आयत तक। उस वक्त अजरिया खड़े होकर दुआ करने लगा और उसने आग के बीच में मुंह खोला और कहा, बस अपने नाम की खातिर हमको हमेशा के लिए मतरूक न रख और अपने अहदो पैमान को मनसूख न कर, अपने खलील इब्राहिम की खातिर, अपने बंदे इसहाक की खातिर, अपने कदूस इसराइल की खातिर अपनी रहमत हमसे हटा न ले। तूने उनसे कहा कि आसमान के सितारों की माने और साहिल की रेत की तरह तो उनकी नस्ल को बढ़ाएगा, पर आप ऐ मालिक हम तमाम कौमों की नस्बत कम तादाद और कुल रुए जमीन पर अपनी हताओं के बायस जलील हैं। इस वक्त हमारा ना रईस ना नबी ना हादी है, ना सौतनी कुर्बानी ना जबीहा ना नजर ना और ना कोई जगह है जहां तेरे हजूर पहला फल आए ताकि तेरी रहमत हासिल करें, लेकिन शिकस्ता दिल और फरोतन रूह की वजह से हमको यूं कबूल फरमा। गोया हम बहनों और बहनों की सौतनी कुर्बानी या हजार बार मोटे मोटे बर्णों को लाते हैं, यूं ही आज तेरे नजदीक ये हमारा नजराना हो जो हम तेरे हजूर चढ़ाने को हैं, ताकि जिनका फोकस तुझ पर है वो शर्मिंदा ना हो। हम अपनी रोजान से तेरी तकलीफ करते हैं, हम तुझसे डरते और तेरे चेहरे को तलब करते हैं, बस आपको शर्मिंदा ना होने दें बल्कि अपनी मेहरबानी और कसीर रहमत के मुताबिक हमसे सलूक कर, अपने अजीब कामों के मुताबिक हमको छुड़ा। ऐ खुदावंद अपने नाम का जलाल जाहिर कर। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। Me
नारे हम मुबारक है वो जो खुदावन का कलाम सुनकर उसे अच्छे और नेक दिल में संभाले रखते हैं और साबन कर्मी से भर जाते हैं। खुदावन आपके साथ हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी बताबे मुकदस मत आए खुदावन तेरी गमजीत उसके 18वें पावे से सुने। उस वक्त पतरस ने पास आकर यीशु से कहा, अरे खुदावन कितनी दफा मेरा भाई मेरा गुनाह करे और मैं उसे मुआफ करूं? क्या 7 दफा तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 दफा बल्कि 7 दफा के 70 बार। इसलिए आसमान की बादशाही उस बादशाह की मालिक है जिसने अपने खादिमों से हिसाब लेना चाहा। तू जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने 10,000 कर्जदार का कर्जदार हाजिर किया गया और चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था इसलिए उसके आका ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी और बाल बच्चे और सब कुछ इसका है बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। मगर उस खादिम ने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मेरे बारे में सब्र कर और मैं तुझे सब अदा कर दूंगी। उस खादिम की आका ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और कर्ज उसे बख्श दिया। मगर जब वो खादिम बाहर निकला तो उसके अहम खिदमतों में से एक उसे मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसको पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, अपना कर्ज अदा कर। तब उसके अहम खिदमत में गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मेरे बारे में सब्र कर तो मैं तुझे सब अदा करूंगा। मगर उसने ना माना बल्कि जाकर उसे कैद खाने में डाल दिया जब तक कि वो कर्ज अदा ना करे। उसके अहम खिदमत जो कुछ हुआ था वो सब देखकर नहायत गमगीन हुए और आकर अपने आका से तमाम वारदात बयान की। तब उसके आका ने उसे बुलवाया और उससे कहा, अरे शरीर खादिम मैंने सारा कर्ज तुझे बख्श दिया क्योंकि तूने मेरी मिन्नत की। तो क्या लाजिम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता? और उसके आका ने गुस्से होकर उसको जलादों के हवाले किया जब तक कि तमाम कर्ज अदा ना करे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ ना करे। इंजील मुकद्दस के वसीले हमारे गुनाह को माफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। मसीह खुदा में मेरे अजीजों, चंद अल्फाज आपके लिए जो मुझे इस वक्त सुनते हैं देखते हैं खुदा के पाक घर की इस पाक इबादत में पाक कुर्बानी में शिरकत करते हैं। याद रखिएगा कि ये वक्त जो आज सारी दुनिया पर आया है तमाम ममालिक पर आया है और हर एक इंसान पर आया है दरअसल ये खुदा को याद करने का वक्त है। ये वक्त हमें आगाह करता है कि हम लोग खुदा से दूर चले जाते हैं और अब खुदा की तरफ फिर रुख करने का वक्त है और हमारे लिए खुदा की कैसी बरकत है कि हम मसीहों को उसने ये खास आयाम अता किए हैं कि हम रोज़ा रियासत करते हुए एक बार फिर से सारी दुनिया के लिए सारी कौमों के लिए खुदावन से मिन्नत कर सकें माफ़ी मांग सकें कि खुदावन अपना कहर हम सबों पर से हटा लें और हम सबों को मुआफ करें। आज की तलावत भी हमें यही बताना चाहती है कि हमें एक दूसरे को माफ करना है और ये नहीं कि सिर्फ एक दफा बल्कि जैसे पतरस ने खुदावन से सवाल किया कि कितनी दफा माफ किया जाए तो यीशु ने कहा कि 7 के 70 बार यानी हमेशा माफी का दर्स दिया है। और शायद एक दूसरे को माफ ना करना ही हमारे सबसे बड़ा अलमिया है। हम एक दूसरे को शायद मुआफ करना नहीं चाहते या शायद एक दूसरे को मुआफ करना हमारे लिए
खुदावंद हमसे यही तकाजा करता है कि एक दूसरे को मुआफ किया जाए, एक दूसरे से प्यार का रवैया बरता जाए और एक दूसरे को मुआफ करते हुए खुदावंद की खुशनूदी हासिल की जाए, ताकि जिन आयाब से या जिन मुश्किल हालात से हम लोग गुजरते हैं, सारी दुनिया के लिए खुदावंद से मुआफी चाहे और ये पाक पास की कुर्बानी हम सबों के लिए निजात का, रिहाई का और शिफा का वसीला बने। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आए अपनी अर्ज़ियत खुदावंद के हजूर पेश करें कि प्यारा खुदावंद हमें हिम्मत ताकत तौफीक अता फरमाए कि हम इन मुश्किल हालात में जब हम खुदा के गिरजा घर में नहीं आ सकते, हमें तौफीक दे कि हम अपने घरों में ईमान के साथ इस पाक कुर्बानी में शिरकत करते हुए अपने लिए शिफा हासिल कर सकें और एक दूसरे के लिए दुआ कर सकें। इस मकसद के लिए अजीज़ो दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करते हैं पूरी दुनिया के लिए, खासतौर पर अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, अपने शहर के लिए, अपने घरों के लिए, अपने खानदानों के लिए कि प्यारा खुदावंद हम सबों को इन हालात में इस वबा से बचाए रखे, हमें एक दूसरे को मुआफ़ करने की तौफीक अता फरमाए ताकि मुआफ़ करते हुए एक दूसरे के लिए दुआ कर सकें। इस मकसद के लिए अजीज़ो दुआ करें। दुआ करते हैं हम उन तमाम लोगों के लिए जो इस मुसीबत से निमटने के लिए बहुत से इकदाम करते हैं। हम अपने हुकूमतों के लिए दुआ करते हैं, अपने चर्च के रहबरों के लिए दुआ करते हैं, मदद आइए अता फरमाए ताकि कौम के लिए, कलीसिया के लिए उस रस्ते का बातों का इंतखाब कर सकें जो कलीसिया के निजात के लिए ज़रूरी हो। इस मकसद के लिए अजीज़ो दुआ करें। आए खुदा हमारी दुआ सुन। थोड़ी देर की खामोशी में आप सब मेरे साथ दुआ कर सकें। अरे खुदा हमारी बना और ताकत तो तमाम शफकत के सरचश्मे जो दुआएं तेरी कलीसिया अकीदत और इस्तक़लाल के साथ बांधती है, तुझे सुन और कबूल फरमा और इनका असर हम तक पहुंचा। मसीह हमारे खुदा के वसीला से। आमीन। शिरकत करते हैं इसकी अहमियत को जानते हुए बड़े संजीदगी के साथ मेरे साथ इस हिस्से में शामिल हो ताकि हम उनकी ज़ियाफ़त और इसके मानी को जानते हुए रूहानी तौर पर यीशु मसीह को हासिल कर सकें। ज़मीन और हमारे हाथों की मेहनत का ये फल हमारे लिए ज़िंदगी की रोटी बने, हमेशा से हमेशा तक खुदा हमारे। प्यासी से हमें ये वह बख्शी है जो हम तेरी नजर में
کی یہ قربانی خدا قادر مطلق باپ کے حضور میں مقبول ہو۔ خدا مجھ اس قربانی کو آپ کے ہاتھوں سے اپنے نام کی بڑھائی کے لیے ہماری بلکہ اپنی ساری کلیسیا کے فائدے کے لیے منظور فرمائیں۔ اے خدا ہمارے خدا، ہمیں عنایت کر کے یہ نجات بخشنے والی قربانی ہماری خطاؤں کی معافی کا باعث ہو اور ہمیں تیری قادر مدد دلائے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔ خدا مدد آپ کے ساتھ ہو، ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں، ہم خدا مدد اپنے خدا کا شکر ادا کریں۔ یہ واجب و نہایت مناسب ہے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرا شکر ادا کریں، تو جسمانی روزوں سے ہماری بری خواہشوں کو دبا کر اور ہمارے خیالوں کو بلند کر کے ہمیں نیکی کی طاقت اور اجر عنایت کرتا ہے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، جس کی معرفت ہم فرشتوں اور تمام مقدسوں کے ساتھ یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ قدوس 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 خدا فرشتوں کے خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہے، عالم بالا پر ہوشانہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشانہ۔ اے مہربان باپ، تو واقعی ہی قدوس ہے، تو پاک ہے، ہر پاک چیز تجھی سے آتی، ہماری دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانے پاک روح تبرک ہو اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مہ کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر ادا کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا۔ ہمارے ایمان کب ہے؟ اے خداوند، ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں کہ جب تک کہ تو نہ آئے۔ بس اے باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم آج اسی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنیں۔ اے خدا اپنی کلیسیا کو یاد کر، ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ کو فرانسس، ہمارے بشپ جوزف ارشد اور اپنے سب قاریوں کو یاد۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے ان بھائی اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں، اس تمام رحموں کو یاد کر ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہم سب پر رحم کر تاکہ ہم خدا کی مبارک پاک کماری مریم، حضرت یوسف کی رہائے پاک شوہر، مبارک رسولوں اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے ہمیشہ کی زندگی میں شریک، اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکے۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ، آمین۔ ہم اپنے نجات دینے والے سے ہدایت پا کر پورے بھروسے کے ساتھ اپنی دعا مانگے جو خدا نے سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک بنا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہوگی، ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے
और जिस तरह हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं तो वे हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा आमीन। आए खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं हमें सब बदियों से बचा इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहे क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा के लिए है आमीन। पूरी दुनिया में अमन सुलह सलामती के लिए दुआ करेंगे खासतौर पर प्यारा खुदावंद हमें इस मौजी वबा से बचा के महफूज रखे। अरे खुदा यीशु मसीह तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया की ईमान पर नजर कर उसे वो सलाम तुरे तहत बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है आमीन। खुदा की सलामती आप सब पर नाज़िल हो आमीन। खुदा के बने जो जहाँ के गुलाम को उठाने जाता है हम पर रहम कर आए खुदा के बरे जहाँ के गुलामों को उठाने जाता है हम पर रहम कर आए खुदा के बरे जहाँ के गुलामों को उठाने जाता है हमें सलाम देना है। अजीज़ो ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है मुबारक है हम सब जो बर्रे की ज़ियाफ़त पे आए आए खुदा इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए लेकिन तुझसे कह दी कि तू मेरे दोषी पाप आए मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे आमीन। रूहानी तौर पर इस बात की है आए हम मसीह के बदन और खून की अहमियत को जानते हुए रूहानी तौर पर इसे हासिल करेंगे। हम थोड़ी देर की खामोशी में इस पर गौर वोस करेंगे और ध्यान ज्ञान करते हुए खुदावर का शुक्रिया अदा करेंगे।
मिलकर हजरत यूसुफ के नवीने की दुआ में शामिल हों। आए हजरत यूसुफ, हम तंगी में तेरी तरफ रजू करते हैं और तेरी पाक सोजा से मदद मांगकर तेरी हमारे भी भरोसे के साथ दर्द करते हैं। इस मोहब्बत की खातिर जिसने तुझे बेदाग हमारी खुदा की माँ से वाबस्ता किया और उस पितरारा मोहब्बत की खातिर जिससे तूने बच्चे यसू को गोद में लिया, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तू उस कीमती मेराज पर जिसको मसीह यसू ने अपने खून से खरीदा मेहरबानी से निगाह और अपनी ताकत और फैज से हमारी ज़रूरतों में हमारी मदद। आए मुकद्दस खानदान के दूर अंदेश के बाद यसु मसीह की बरगजीदा कौम की हिफाजत आए नहायत शफीक तालीमात और बद अखलाकी की बलाओं को हमसे दूर ऐ नहाय ताकतवर हमायती मेहरबान से हम आसमान पर से हमारे उस जंग में जो तारीकी की ताकतों के साथ है हमारी मदद करें और जिस तरह तूने बेशतर बच्चे यसु की मौत के नहाय बड़े खतरे से छुड़ाया उसी तरह इन दिनों में भी खुदा की पाक कलीसिया को दुश्मन के फंदों से और सब आफतों और वबाओं से बचा और आखिर तक सबको अपनी हमायत की पनाह दे ताकि हम तेरी पैरवी करके मदद से ताकत पाकर पाक जिंदगी बसर करें और हमारी मौत मुबारक हो और हम बहिश्त में दायमी खुशी हासिल करें। मसीह हमारे खुदावन के आमीन। आए हमारे बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं तू भी हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम, पुर फजल खुदा तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे बेटे का भाई यीशु। आए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे रूह कुद्स का जैसे कि इब्तिदा में था और हमेशा होगा। आमीन। हम दुआ करेंगे। आए करीम खुदावंद, अता कर कि हम इस पाक इबादत में शरीक होकर जिंदगी की ताजगी हासिल करें और साथ ही कफारे का असर और पायदार हिफाजत महसूस करें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मंगल मुकद्दस एंथनी की इबादत में शरीक होकर उससे हास दुआ करते हैं कि वो हमारे लिए सिफारिश करें। वह हम नहायत हकीकत के साथ मुकद्दस एंथनी के डोना की दुआ में शरीक हूँ। ऐ मुकद्दस एंथनी, पाकीज़गी के सोसन, मसीहत के जेवर और जलाल, हम तुझे सलाम करते हैं। ऐ अजीम मुकद्दस, दानाई के करोबी और इलाही मोहब्बत के फरिश्ते, हम तुझे सलाम कहते हैं। हम खुशी मनाते हैं कि खुदावंद ने तुझे बाकसत फसल बख्शी है। हम फरोदनी और यकीन से तेरी मिन्नत करते हैं कि तू हमारी मदद कर, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा ने तुझे ना सिर्फ ताकत बल्कि मोहब्बत और रहम अता किया है। आ हमारे रंजो इस तरह और फिक्रों पर नजर कर। हम इस मोहब्बत के तोहफ़े जो तुझे बच्चा यसु से दी इल्तजा करते हैं कि तू उसे हमारी जरूरतें बता। इस दिल की सिर्फ एक आ जिसे उसने बड़ी नस्बत बख्शी हमारी कामयाबी का बायस हो गई और हमें खुशी से भर दी। आ याद रख, जब तूने उसे सीने से लगाया तो तुझे कामन खुशी मिली और अपने रुखसार उसके रुखसारों से लगाए और उसकी फरिश्ताना आवाज सुन। इन सब बातों पर ध्यान कर और उसकी बंदा नवाज मोहब्बत के बायस हमारी सुन।
अगर हम तुझे देख सकते तो इज्जत बख्श आंसुओं से तेरे पांव धोते और अपने एहसास और अंदेशे तुझ पर जाहिर करते, लेकिन हम तुझे देख नहीं सकते, इसलिए हम तुझे रूह में सलाम कहते हैं। ऐ खुदा के मायानाज शहीदे, हम अपने खताकार स्वरूप ताजीम में झुकाते हैं, अपने अफसरदा दिलों को उम्मीद के साथ तेरे हजूर और आसमान की तरफ बुलंद करते हैं, क्योंकि वो जिसको तूने अक्सर अपने हाथों में लिया, अब तेरे हाथों में वो सब कुछ भर देगा जो हम तुझसे मांगते हैं। ऐ इलाही मोहब्बत के फरिश्ते, हम जो कुछ तुझसे मांगते हैं अनायत कर, हम तेरी अजमत को मुश्तरक करके उस खुदा की इज्जत और जलाल को जाहिर करेंगे जिसने तुझे इस कदर बरकत अता कर रखी है। ऐ मुकद्दस एंथनी, जिससे बच्चा यीशु बेहद प्यार करता और इज्जत करता है, जो कुछ मांगते हैं हमें दिलवा दे। ऐ मुकद्दस एंथनी, जो कलाम फेर में जबरदस्त है, जो कुछ मांगते हैं हमें दिलवा दे। इल्तजा करने वालों पर तवज्जो करने वाले मुकद्दस एंथनी, हमारे इल्तजा कबूल फरमाओ। अरे हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहे, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी हुई हो जाएगी, जमीन पर भी हो। हमारे दोस्तों आज मिले और जिस तरह अपने कई दास को बख्श देते हैं, हमारे कर सब बख्श, हमें आसमायश में ना न मिले बल्कि बुराई से बचा। सलाम है मरियम और फजल, खुदा तेरे साथ है, तू और तुम्हें मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का परमेश। खुदा की माँ खुदा से दुआ कर आपने और सलाम मरियम और फजल, खुदा तेरे साथ, तू और तुम्हें मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फलसा मरियम खुदा की माँ हम गुनागार के पास से दुआ कर आप हमारी मौत के बाद सलाम मरियम और फजल, खुदा तेरे साथ है, तू और तुम्हें मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ हम गुनाहगार के पास से दुआ कर आप हमारी मौत के बाद जलाल बाप बेटे और मुकद्दस काम हो जैसा कि इब्तिदा में था अब और हमेशा का आमीन। मसीह खुदा में मेरे अजीज हो, आप सब जो मुझे देखते हैं, चंद जरूरी इलाहात हैं आपके लिए। जैसा कि आपके सामने आज मुकद्दस यूसुफ का नवीना बना गया है और हम 19 मार्च को मुकद्दस यूसुफ की ईद मनाते हैं, तो उसके लिए हम फिर इसी तरह से सब रूहानी तौर पर जमा होंगे, इसी तरह से आपके लिए ये पाकवास की कुर्बानी गुजरानी जाएगी और वक्त शाम 5 बजे का होगा। आप सभी से गुजारिश है कि उस पाकवास की कुर्बानी में भी यूं ही हमारे साथ शिरकत कीजिएगा, ताकि हम खुदा यीशु मसीह के साथ इन आयाम में जुड़े रहें और मुकद्दस यूसुफ के सिफारिशात को तर्क कर सकें। मैं बताता चलूँ कि जुम्मे को दोपहर 3 बजे हम 14 मकाम की इबादत भी इसी तरह से सब मिलकर करेंगे, ताकि हम अपने इन आयाम की इबादत को स्किप ना करें बल्कि खुदावंद के साथ यूं ही जुड़े रहें। और इतवार की इबादत का वक्त होगा सुबह 9 बजे, हम इतवार की इबादत जो है इसी तरीके से सब अपने अपने घरों में और अपने काहिन के साथ ये पाकवास की कुर्बानी गुजारेंगे। खुदावंद आपके साथ हो और होते खुदा बाप और बेटे और रूह कुछ की बरकत आप सबों पर नाज़िल हो और हमेशा तक कायम रहे। आमीन। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती मेरी।